इसका घर जिसे हम केला भरा हुआ या कह सकते हैं काफी बड़ा है। इसका देख सकते हैं छोटा सा बेल है अभी लग रहा है इस पेड़ में ये बड़ा हुआ। हेलो दोस्तों, आप सब लोग का प्रथम ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे गांव की हरी भरी फसल। आप लोग जहां तक देख रहे हैं ये सब गांव का ही फसल है और देख सकते हैं आप सब लोग हरा भरा पेड़ है। इस समय हवा भी चल रहा है अच्छा खासा और ये सामने कच्चा मकान हमारे घर से काफी दूर है और देख सकते हैं चारों तरफ जितने भी आप लोगों को दिखेगी फसल दिखेगी और हरा भरा दिखेगी। ये नीम का पेड़ है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बेल का पेड़ दिखाता हूँ। ये है बेल का पेड़, आप लोग देख सकते हैं इसमें बेल भी फरा है। पास जाके दिखाते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं छोटा सा बेल है अभी लग रहा है इस पेड़ में ये बड़ा हुआ है थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे पक कर गिर भी गया है, कुछ हम जला भी दिए हैं ज़्यादा गिरा हुआ था। तो इस पेड़ की खास बात यह है कि इसमें कांटे होते हैं, कांटेदार पेड़ होता है और इसका गर्मियों के मौसम में रस बनाकर पीने में काफ़ी राहत मिलता है। और इस पेड़ की खास बात यह है कि इससे हमारा जो भी शरीर में प्रॉब्लम होती है राहत तो मिलता ही मिलता है और साथ में एनर्जी भी मिलता है। तो दोस्तों क्या आप सब लोग जानते हैं सनई का पेड़ कैसा होता है? ये देखिए सनई का पेड़, इसमें फूल भी लगते हैं बड़े होने पर, अगर समय मिलेगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो फूल निकलते हैं ना उसको उसकी सब्जी भी बनती है, खाने में अच्छा लगता है और मंडी में कुछ लोग बेचते भी हैं और इसका उपयोग जो खेत बंजर रहता है उसको उपजाऊ बनाने का भी उपयोग में लाया जाता है। इसको अपने खेत में लगाने से जो भी हमारी बंजर खेत रहती है उपजाऊ हो जाता है, उसमें जान आ जाती है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं हमारे शरीर में जान आ जाती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से खेत भी एनर्जेटिक हो जाता है इसको लगाने से। इसको जैसे कई फसल बार बार बोते हैं कई खेत में या फसल लगातार बोए जा रहे हैं, खेत को हम उपजाऊ बनाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो साल भर में एक बार इस सनई को छींट देते हैं खेत में अपने, उसके बाद हमारा जो भी खेत रहता है वो उपजाऊ होने के लिए तैयार हो जाता है। ये है केले का छोटा पेड़, मैं आप लोगों को बड़ा पेड़ भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है केले का बड़ा पेड़, इसका घर जिसे हम केला भरा हुआ या कह सकते हैं काफी बड़ा है। इसका लगता है कोई तोड़ दिया है, यहाँ पे काफी लंबा दिख रहा है ये पूरा इसका है पेड़। दोस्तों आज के सूर्य भगवान काफी गमगीन खुशी में लग रहे हैं। ये तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, प्रथम ब्लॉग भी नहीं, सब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।